मौजूद है। सबसे पहले विशाल के पास चलते हैं। विशाल जो कि किसानों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, काफी लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। विशाल, किसान को लेकर बजट, जब भी बजट पेश होता है तो किसानों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये सबकी निगाहें होती है कि किसानों को लेकर बजट में किस तरह का प्रावधान होने वाला है, किस तरह की सौगातें देने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार बात कीजिए जरा। देखिए, बिल्कुल, किसानों का जो मुद्दा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अन्नदाता होते हैं। ऐसे में किसानों की उम्मीदें भी जो है वो बढ़ जाती हैं जब बजट पेश होने वाला होता है। अभी हम कुछ किसानों से पहले बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि तमाम चीज़ों को लेकर जो है कुछ नए प्रावधान करने चाहिए। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। ये कहिए कि हमने बात किया अभी इससे पहले तो तमाम चीज़ों को लेकर, और क्या कुछ जो है आप लोग चाहते हैं कि इस बार के बजट में हो? आम बजट में सबसे पहले तो अगर किसान की सच्चे मन से, नेक नीति से अगर चाह रहे हैं कि किसान की प्रगति हो तो MSP को कानूनी जामा पहना। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आना चाहिए, इन्हें MSP को कानून के दायरे में लाना चाहिए और जो फसलें MSP में नहीं है उन फसलों को MSP में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो खेती में लगने वाले इनपुट हैं जैसे डीजल, खाद, अब खाद और दवाइयाँ और कृषि यंत्रों पर GST 28% तक है, और ये बताओ डीजल पे GST नहीं, डीजल को GST के दायरे में नहीं लाया जाता है, तो हमारे कृषि यंत्रों और खाद पे GST हटाई जाए। और जो उर्वरक है और आधारित खादों की कीमतें 4 गुना बढ़ गई। पोटास जो ये सरकार आने से पहले 2014 पहले 450 की थी, आज वही पोटास 1800 की है, तो हमारी आमदनी तो दूनी नहीं हुई लेकिन हमारे लागत 4 गुना जरूर हो गई। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि अगर नियत साफ है तो हमारी लागत को कम करने का प्रयास किया जाए और हमारे उत्पादन का दाम मिले। कुछ और भी किसान है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप नाम है। संदीप, क्या चाहते हैं कि क्या कुछ आम बजट में किसानों के लिए हो? किसानों के लिए सर यही होना चाहिए कि MSP को एक कानून बनाया जाए और समान रूप में उनका जो है खरीदा जाए गल्ला, और सिंचाई उचाई की व्यवस्था उचित की जाए, बाकी कृषि यंत्रों पे सब्सिडी दी जाए। बस यही सब चीज़ें हैं, अगर सरकार इन पे ध्यान दे तो फिर किसान की आमदनी बढ़ सकती है। तो देखिए, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं तमाम किसानों की। कुछ और भी किसान हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील। सुशील, क्या चाहते हैं क्या इस बार के बजट में हो किसानों के लिए? अरे सर, जो है सांड के लिए बहुत दिक्कत है, आवारा पशु, पशु जो है सब गेहूं चरे डाल रहे हैं। उसके अलावा कुछ और क्या चाहते हैं? अरे महंगाई बहुत बढ़ रही है सर और हर चीज़ में दिक्कत आ रही है सर। अच्छा। कुछ और भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सूरतलाल साहब। ये बताइए कि क्या चाह रहे हैं कि इस बार? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।